Hello guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Viren Singh, and in this video tutorial I am going to give you the solution of Part C problems related to the CSIR December 2018 paper. So December 2018 paper में जो questions पूछे गए हैं उनके solutions के बारे में हम discuss कर रहे हैं. Part A का solution मैं आपको बता चुका हूँ. पार्ट सी के सोल्यूशंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. अगर आपने अभी तक अन अकेडमी पर फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट जो सोल्यूशन है CSIR पार्ट सी, पार्ट बी और पार्ट ए का, वो वहीं पे मैंने अपलोड किया और आप वहाँ से देख सकते हैं. सो अब डिस्कस करते हैं बाकी जो क्वेश्चन है पार्ट सी के, उनके सोल्यूशंस के बारे में. सो लेट सी दोज क्वेश्चन. वो है 77 नंबर ऑफ क्वेश्चन. क्या है इस क्वेश्चन को देखिए. द फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस से कुछ क्वेश्चन पूछे गए. पहला स्टेटमेंट पढ़िए, ग्लाइकोलिसिस इज नॉट रेगुलेटेड बाई पायरुवेट काइनेज. सेकेंड स्टेटमेंट है, लैक्टेट कैन बी एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस. थर्ड स्टेटमेंट है, ग्लाइकोलिसिस कैन नॉट फंक्शन एनारोबिकली. एंड डी स्टेटमेंट है, इन एरिथ्रोसाइट्स द सेकेंड साइट इन ग्लाइकोलिसिस फॉर एटीपी जनरेशन कैन बी बाईपास्ड. ठीक है. एंड फ्रॉम द एबव चूज द कॉम्बिनेशन विथ बोथ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, कौन से दो इनमें से स्टेटमेंट गलत है. अगर आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो ग्लाइकोलिसिस एरोबिक मैनर में भी चलती है, एरोबिक रिस्पिरेशन में भी और एनएरोबिक रिस्पिरेशन में भी. यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए आपको वहाँ पे डेटा भी दिया हुआ है कि द पायरुवेट एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस कैन बी यूज्ड either in anaerobic respiration if there is no oxygen available, and it can be used for the aerobic respiration for the TCA cycle. Anaerobic respiration में ये pyruvate कहाँ पर use होता है, वो या तो convert होता है ethanol में या तो lactate में. तो lactate can be end product of the glycolysis. ठीक है, जहाँ पर कि pyruvate convert हो जाता है किसमें, lactate में या तो ethanol में anaerobic respiration में. ठीक है. And ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस किस थ्री एंजाइम से रेगुलेट होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो थ्री एंजाइम्स जो कि ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करते हैं प्रोसेस को, और ये एंजाइम्स सिंगल जो रिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं वो रेगुलेटरी एंजाइम्स नहीं होते. जहाँ पे सिंगल डायरेक्शन या यूनी डायरेक्शनल स्टेप्स होती हैं ग्लाइकोलिसिस में, वहाँ पर जो एंजाइम्स यूज होते हैं वही जो होते हैं रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, तो पहला जो है एंजाइम कौन सा रेगुलेटरी एंजाइम है, एक्सोकाइनेज. दूसरा जो है वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है. एंड थर्ड वन इज पायरुवेट काइनेज. ठीक है, तो पायरुवेट काइनेज भी रेगुलेट करता है किसको, ग्लाइकोलिसिस को. तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है, ग्लाइकोलिसिस इज नॉट रेगुलेटेड बाय पायरुवेट काइनेज, गलत है ये. ग्लाइकोलिसिस इज रेगुलेटेड बाय द पायरुवेट काइनेज. थर्ड स्टेटमेंट देखिए, ग्लाइकोलिसिस कैन नॉट फंक्शन एनएरोबिकली, जबकि ऐसा नहीं है. एनएरोबिक हो चाहे एरोबिक हो, क्योंकि ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस किसी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस चाहे तो एनारोबिक रिस्पिरेशन हो चाहे एरोबिक, दोनों में होता है. तो सी ऑप्शन गलत है. और कौन सा गलत है, ए ऑप्शन गलत है. तो आंसर कौन सा हुआ इसका, फोर्थ, ए एंड सी. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट 78 नंबर ऑफ क्वेश्चन, फॉर अ रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम चूज द प्लॉट दैट यू वुड यूज टू डिटरमाइन KM. ठीक है, तो इन्होंने KM के बारे में पूछा है कि आपको डिटरमाइन करना हो तो कौन सा प्लॉट यूज़ करोगे. एज फॉर रेफरेंस आई हैव गिवन द इमेजेस. ठीक है, अगर यहाँ पे अनइनहिबिटेड एंजाइम है, अनइनहिबिटेड एंजाइम और इनहिबिटेड एंजाइम के बारे में ग्राफ मैंने दिया हुआ है. यहाँ पे मैंने बताया है, और कि जो अगर आपने मेरा एंजाइम का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे भी मैं बताया था कि जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स होते हैं या नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटरी एंजाइम्स जो होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो सिमिलर जहाँ पे वो मीट करते हैं, ठीक है, वो निगेटिव एक्सिस पे मीट करते हैं. सी ऑप्शन देखिए इस ग्राफ का. ठीक है, निगेटिव पे मीट करते हैं, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो किसका होता है, अनकॉम्पिटेटिव का होता है, और जो वाई एक्सिस पे मीट करते हैं वो उनका क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेटिव बोलते हैं. ठीक है, दिस इज द कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, दिस इज नॉन कॉम्पिटेटिव एंड दिस इज अनकॉम्पिटेटिव. फाइन, तो ये अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है. तो नॉन कॉम्पिटेटिव का ग्राफ कौन सा होगा, थर्ड नंबर. ठीक है, ये कौन सा ग्राफ है, थर्ड नंबर इज द नॉन कॉम्पिटेटिव ग्राफ. बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, सीधे ग्राफ से पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसको सॉल्व करने में डिफ़िकल्टीज तो नहीं आनी चाहिए.
मैंने बताया भी था कि आपको ग्राफ कैसे रिमेम्बर करना है, ठीक है। तो अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 80 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, पार्ट सी का सेट बी से पूछा गया, ठीक है। सेट बी के क्वेश्चन ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप सेट बी का 80 क्वेश्चन है, जो कि क्या है, क्वेश्चन देखिए एक बार। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वॉज मेड व्हेन अ मैमेलियन सेल इन वन फेज ऑफ सेल साइकिल वॉज फ्यूज्ड विद सेल इन अनदर फेज ऑफ सेल साइकिल। दिस इज द रिलेटेड टू द सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट से। तो वॉट इज सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट? सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट इज लाइक कि जब दो सेल को फ्यूज किया जाता है वो अलग अलग ग्रोथ फेज में हो, तो क्या असर होता है किसी वन एक किसी भी सेल पे, वो देखते हैं हम। जैसे पहले आप देख लीजिए इसको किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर किया था इसको राव एंड जॉनसन ने, ठीक है। और जॉनसन ने डिस्कवर किया था, जैसे कि अब बात करते हैं एस और जी वन। अगर एक सेल एस फेज में है और एक जी वन फेज में है, ठीक है, अगर एक एस फेज में एक जी वन फेज में है, दोनों को हमने मिक्स किया, फ्यूज किया, तो जो जी वन फेज वाला सेल होगा वो इमिडिएटली किस में इंटर कर जाएगा, एस फेज में, और एस फेज टेक इट्स ओन टाइम फॉर रिप्लिकेशन। एस फेज वाले सेल पे कोई असर नहीं पहुंचेगा, लेकिन जी वन वाला सेल जो होगा वो एस फेज में इंटर कर जाएगा। अगर हमने एक जो सेल है वो एस फेज में है, दूसरा जी टू में है, तो इनको फ्यूज किया तो क्या होगा, जी टू पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा और एस फेज वाले पे भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, नो इम्पैक्ट एंड नो कम्प्लीट एंड कम्प्लीट रिप्लिकेशन, ठीक है। वो क्या करेगा, अपना रिप्लिकेशन कम्प्लीट करेगा, वो ऐसा नहीं कि सीधे जी टू में चला गया कुछ होगा, किसी दोनों सेल्स पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्लियर है, क्योंकि रिप्लिकेशन उसको करना है। जी वन एंड जी टू को अगर फ्यूज किया आपने, जब जी वन और जी टू को फ्यूज करेंगे तो जी वन पे नो इम्पैक्ट है, जी टू पे भी नो इम्पैक्ट है, ठीक है, दोनों के दोनों नॉर्मल फंक्शन करेंगे। तो ये क्या है कि जब कोई भी सेल आप देख रहे हो जी वन एस और जी टू का कर रहे हैं तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं है, जी वन एंड जी टू का कर रहे हैं तो भी इम्पैक्ट नहीं है, एस और जी वन में क्या है, जी वन एस फेज में चला जा रहा है। इसका सोल्यूशन हम देखते हैं फिर, यहाँ कंक्लूजन देखिए कि अगर ए है, ए में क्या है कि फ्यूजन ऑफ सेल इन जी वन फेज विथ एस फेज, जी वन न्यूक्लियस टू इंटर एस फेज, ठीक है, क्या जी वन और एस को कर रहे हैं तो जी वन एस फेज में चला जा रहा है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, अपॉन फ्यूजन ऑफ जी टू सेल विथ एस फेज, जी टू सेल डज नॉट इंटर एस फेज, ठीक है। अगर जी टू और एस फेज को हम कर रहे हैं तो जी टू इंटर नहीं कर रहा है एस फेज में, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे आप मैंने बताया था अभी, ये भी सही है। सी देखिए, अपॉन फ्यूजन ऑफ जी वन सेल विद जी टू सेल, जी वन न्यूक्लियस इंटर्स द जी टू फेज, नो, ये गलत है। यहाँ पे भी मैंने बताया क्या, दोनों पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता और यहाँ पे क्या कर रहा है कि जी वन जी टू में इंटर्स कर जा रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, सी स्टेटमेंट गलत है, तो जहाँ जहाँ सी होगा वो गलत होगा। ए आपको सी एक ही में नहीं मिल रहा है, वो फोर्थ ऑप्शन है। डी भी सही है, क्योंकि फ्यूजन ऑफ एस फेज सेल विथ एम फेज कॉजेज द एस फेज सेल इमिडिएटली इंटर्स टू माइटोसिस, क्योंकि जी टू में जनरल उतना कुछ खास नहीं होता, इसलिए एस फेज डायरेक्टली माइटोसिस में चला जाता है। तो कौन कौन से आंसर हुए इसके, आंसर हुए जो ए बी और डी, सी ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। तो इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट होगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का होगा वो करेक्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ फॉलो करिए अन अकेडमी पे, जहाँ पे मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ, और कंप्लीट सोल्यूशन जो पार्ट सी और पार्ट बी, इवन कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ CSIR दिसंबर 2018 पेपर जो है वो वहीं पे मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से देखिए सॉल्यूशंस को, एंड प्लीज़ फॉलो करिए।